बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे। ये ऑर्डर उसे मोबाइल के कुछ मैसेंजर ऐप के जरिए मिल रहे थे। ये शुरुआती जांच में जानकारी सामने आई है और ये भी पता चला है कि इस हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता था और साथ में अंडरवर्ल्ड को भी संदेश देना उनका मकसद था। जो शुरुआती जांच में सामने आया है उसके मुताबिक पहला मकसद था सलमान खान को डराना। इसके अलावा इसका दूसरा मकसद यह था कि माया नगरी मुंबई में कैसे दहशत फैलाई जाए। तीसरा मकसद था दाऊद इब्राहिम को संदेश देना, मैसेज पहुंचाना। और चौथा मकसद था अंडरवर्ल्ड में सिक्का जमाना। इस मर्डर के पीछे की चार बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि अंडरवर्ल्ड में सिक्का जमाना भी एक महत्वपूर्ण मकसद था। और आपको बता दें कि इसी साल जनवरी के महीने में न्यूज 18 इंडिया ने गैंगस्टर गोल्डी बराड से फोन पर बात की थी और उसमें गोल्डी बराड ने यह साफ कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद के दोस्त नहीं है, मौका मिलेगा तो दाऊद को भी मार देंगे। सुनिए जब आनंद तिवारी ने गोल्डी बराड से बात की थी। क्या दाऊद इब्राहिम से आप लोगों के कोई ताल्लुकात हैं या आपके दुश्मन हैं दाऊद इब्राहिम डी कंपनी? सर ये हमारा दाऊद के साथ कोई संबंध नहीं है जी, वो एक आतंकवादी है जिस शहर में इतने साल रहा है, खाया पिया उसने मुंबई में, उसी शहर को आग लगा के चला गया। ऐसे बेकार बंदों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है जी। कभी उसको मारने में नाम आ सकता है हमारा, पर हमारी दोस्ती कोई नहीं होगी उसके साथ कभी भी जी। जो बंदा जिस शहर में इतने साल रह के खा पी के वहां का नहीं हो सकता, उस बंदे में क्या होगा जी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नया पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों भाई इस वारदात में शामिल हैं। सोशल मीडिया से किए गए पोस्ट की जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई है। शुभम और प्रवीण दोनों वारदात को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। शुभम और प्रवीण कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस और लॉजिस्टिक यानी कि हथियार को लेकर मदद पहुंचा रहे थे। शुभम एक महीने से फरार है। आरोपियों के पास से चार फोन रिकवर किए गए हैं और अभी तक तीन गिरफ्तारी भी हुई है। तीन आरोपी शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और शिव कुमार फरार हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि प्रवीण और शुभम ही इस ऑफर को लेकर आए थे। पुणे में कई बार मीटिंग हुई थी। शुभम और प्रवीण को निर्देश कौन दे रहा था, अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे ये साजिश रची और किस तरह से शूटरों ने तैयारी की और वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। आपको बता दें कि 28 दिन में 5 बार बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर पर घंटों जो शूटर्स थे वो नजर रख रहे थे। रेकी के बाद मर्डर के लिए दशहरे का दिन चुना गया। शूटर शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था। हत्या के बाद शिव कुमार को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जाना था। ओंकारेश्वर में शिव कुमार को लॉरेंस गैंग के गुर्गे से मुलाकात करनी थी। ये इस तरीके से ये साजिश पूरे मर्डर की रची गई थी। शुरुआती जांच में ये तमाम बातें सामने आई हैं। और वहीं बांद्रा शूटआउट में एक आरोपी को पैर में गोली लगी थी। उसने बताया कि उसे पता भी नहीं चला कि वहां क्या हुआ। उसे लगा कि पटाखे फूट रहे हैं और बाद में पता चला कि उसे पैर में गोली लगी है। मुझे वही तो नहीं पता चला क्योंकि माहौल ऐसा था कि मतलब विसर्जन का माहौल था तो फटाके ही लग रहे थे, तो मुझे लगा फटाके लगा है। लेकिन जब कुछ लोगों ने चिल्लाया ना कि फायरिंग हो रही है तब पता चला कि फायरिंग हो रही है। बाकी कुछ उस बारे में कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ है। तो बाद में कुछ लोगों द्वारा पता चला कि ऐसा हुआ है। और इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। वारदात के लिए आखिर दशहरे का दिन क्यों चुना गया, यह सबसे बड़ा सवाल बना है। सुरक्षा कर्मियों की शिफ्ट बदली तभी यह वारदात कैसे अंजाम दी गई। एक सुरक्षा कर्मी था, उसने जवाबी फायरिंग आखिर क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल अभी इस वारदात के बाद बने हुए हैं, जिनके जो जवाब हैं वो जांच पूरे होने के बाद ही सामने आएंगे। तो लगातार जो शुरुआती जांच हुई है उसमें कई बड़े खुलासे सामने आए हैं और सवालों की फहरिस्त जो है वो सामने आई है कि कैसे इस वारदात को अंजाम देने के लिए दशहरे का दिन चुना गया। और सबसे अहम बात कि जिस समय सुरक्षा कर्मियों की शिफ्ट बदलती है उसी समय इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, कैसे अंजाम दिया गया।